हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या कॉर्नर। आज मैं आपको झटपट पालक पनीर बनाने को सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लांच कैसे करना है पालक को वो बता रही हूँ। तो मैंने एक ऐसे बड़ी पतीली ली है जिसमें मैंने पानी डाला है और मैंने उसको बॉयल करने को रख दिया है। अब जैसे ये पानी बॉयल हो जाता है, ब्लांच मीन्स हमको पकाना नहीं है, हमको गर्म गर्म बॉइलिंग वाटर में उस इंग्रेडिएंट्स को डाल के एक दो मिनट के लिए रखते हैं और फिर उसको हम स्ट्रेन करके ठंडे पानी से उसको निकाल के रखते हैं ताकि उसका कलर इंटैक्ट रहे। ठीक है, तो ये मेरा पानी बॉइल हो गया है। यहाँ मैंने एक वन बंच पालक लिया हुआ है। अभी ये पालक को मैं इसमें पानी में डाल दूंगी। आप एक मीडियम साइज की बंच ले सकते हो। ये बहुत झटपट रेसिपी है। अब इसको मैं एक मिनट पानी में रखती हूँ। अभी यहाँ पर एक टिप है। अभी जैसे ये पालक मैंने दो दिन पहले ही इसको क्लीन करके फ्रिज में रख दिया था, तो मुझे इसका कलर इंटैक्ट करने के लिए मैं दो चीज कर सकती हूँ। या तो इसमें ब्लांच करते समय इसमें मैं खाने का सोडा डाल दूंगी, या तो मैं जब पीसूंगी उसमें थोड़ा सा हल्का से नींबू का जूस डाल दूंगी। तो आप दोनों भी चीज में से कोई भी एक चीज कर सकते हो। या तो क्योंकि मैं इसको अभी इंस्टेंट बनाऊंगी, तो मैं जब ग्रेवी बनाऊंगी तब थोड़ा सा मैं उसमें खाने का सोडा डालूंगी ताकि उसका ग्रीन कलर जो है वो इंटैक्ट रहे, बिकॉज इसमें आयरन है तो ये ब्लैक हो जाएगा, अपना रिएक्शन देगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे उसको ब्लैक नहीं रखना है, मुझे ग्रीन एज इट इज रखना है, तो हम उसको ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दो मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में रखूंगी और फिर मैं इसको स्ट्रेन करके इसकी प्यूरी बनाऊंगी। अब जब प्यूरी बनाते समय मैं यहाँ पर ये ग्रीन चिलीज डालूंगी, ये ग्रीन चिलीज डालूंगी ताकि मुझे ज्यादा रेड चिली ये सब डालना नहीं है। पाउडर मैं हल्का से डालूंगी बट मुझे ग्रीन चिली का तीखापन चाहिए इसी। ठीक है, मैंने अभी इसे पानी मैंने इसका गर्म पानी निकाल के ठंडे पानी में इसको निकाल लिया और अभी मैं मिक्सर ग्राइंडर में इसमें ग्रीन चिलीज डालकर मैं इसको फाइन पेस्ट करूंगी। जब आप इसको पेस्ट करोगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। अभी मैंने ये प्यूरी कर ली है पालक की। ठीक है, तो चलिए अभी झटपट हम लोग पालक पनीर बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं झटपट बनाती हूँ, तो जो भी घर में अवेलेबल है इंग्रेडिएंट्स वो हमें लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑनियन, एक ऑनियन लिया मैंने, एक बड़ा वाला साइज का ऑनियन, एक छोटा वाला साइज का टमाटो और गार्लिक, इस चीज को मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं चॉप करके मैं पालक पनीर का ग्रेवी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, रेड चिली पाउडर है ये, ठीक है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये किचन किंग मसाला है, ये धनिया पाउडर। मैं हल्दी नहीं डालूंगी ताकि हल्दी से क्या होगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग ऑयल और बटर दोनों का यूज़ करेंगे। तो पहले हम लोग ऑयल डालेंगे, यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैं ऑयल डालूंगी। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाएगा क्योंकि थोड़ा ग्रेवी हम इंस्टेंट बना रहे हैं और तो थोड़ा टेस्ट एनहेंस के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा बनेंगे। फिर हम तड़के में जीरा डालेंगे। अभी आप यहाँ पर जो भी आपकी होल स्पाइसेस उसमें से तेज पत्ता ये सारा डाल सकते हो। मैं एज अ नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं उससे कैसे बनाना है वो बता दिया। मैंने जीरा डाला, जीरा क्रैकल हो गया, तो ये जो मैंने चॉप किए हुए थे ऑनियन टमाटो और गार्लिक ये डालेंगे। और इसको अच्छे से मुझे पकाना है। ये जब तक अपना तेल नहीं छोड़ेगा तब तक हमें इसे पकाना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि ऑनियन जल्दी से गल जाए। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए।
और हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनती है, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर ऐसे लग रहा है कि क्या बनाना है, नॉर्मली हम जब शाम के टाइम होती है डिनर पे हमको बहुत टेंशन होता है क्या खाना बनाना है, तो झटपट ये बनने वाली है। इस चीज़ में आप जैसे मैंने ये पालक पनीर का बताया, आप इसमें कोई और ग्रेवी भी बना सकते हो, मटर डाल सकते हो, पालक मटर बना सकते हो, पालक आलू बना सकते हो, ये सेम चीज़ है, ठीक है। या तो आप एक्सोटिक वेजिटेबल्स होते हैं वो डाल सकते हो, जैसे मशरूम हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, बेल पेपर, रेड एंड येलो बेल पेपर्स हो गए, ऑनियन के डाइज हो गए, ये सारी चीज आप डाल के ये ग्रेवी बना सकते हो पालक के इसमें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि ये जो लहसुन है वो मैंने एकदम चॉप की हुई, तो इस स्पेशली ये सब्जी में लहसुन को आप चॉप करके डालोगे तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होगी। देखिए ये हल्का हल्का ऑनियन और टमाटोज मेरे पकने लगे, तो अब इस टाइम पे मैं थोड़ा सा वन टीस्पून मैं धनिया पाउडर डालूंगी एंड वन टीस्पून मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूंगी एंड वन टीस्पून मैं किचन किंग मसाला डालूंगी और इसको हम अच्छे से पकड़ेंगे। जब तक ये पूरा ऑयल नहीं छोड़ेगा तब तक हमें इसे पकाना है। आपको पता नहीं लगना चाहिए कि ये ऑनियन टमाटो और गार्लिक हमने इसमें डाला है, इतनी हमको पेस्ट इसकी करनी है। थोड़ा फ्लेम को स्लो करेंगे और मैं हल्का से इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि वो अच्छे से पके। एक वन टू टेबल स्पून इसमें पानी डालना है। क्योंकि ये होममेड रेसिपी वाला चीज़ है तो हमें इसमें मेजरमेंट हमारे टेस्ट और अंदाज के हिसाब से डालना है। जैसे मेरे घर में जो पसंद आता है मैंने उस हिसाब से डाला है। आपको चिली या किचन किंग मसाला ये आपको कम डालना है तो आप कम भी कर सकते हो, सिर्फ ग्रीन चिली के स्पाइस में भी आप ये ग्रेवी बना सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, तो एक वन टीस्पून के हिसाब से मैं बटर डालूंगी। बटर से इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाता है और बहुत यमी लगता है। एक और मिनट में इसको पकाऊंगी, उसके बाद हम इसमें पालक प्यूरी डालेंगे। अभी यहाँ पर मैंने अमूल मलाई पनीर लिया हुआ है, आप कोई भी पनीर ले सकते हो, आप घर पे बनाया पनीर ले सकते हो या आप डेयरी का पनीर ले सकते हो, आपकी चॉइस है। ऐसे कोई ब्रांड स्पेसिफिकेशन नहीं कि आपको यही लेना है। अभी जो इंस्टेंट रेडीमेड अवेलेबल होता है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरा तेल छोड़ने चालू करता है, ठीक है। इस स्टेज पे तो मतलब मेरा ऑनियन टमाटो और गार्लिक अच्छा पक गया है। इस स्टेज पे जो मैंने पालक की प्यूरी की थी वो मैं डालूंगी। अभी प्यूरी जो होती है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है हमें, पानी डालोगे तो उसका जो टेस्ट है वो चला जाएगा। जो उसका खुद का पानी है उसमें ही आपको ग्राइंड करना है। दूसरी बात, आपकी मर्जी आपको कितना उसको फाइन पेस्ट करना है। जैसे मैंने इसको एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा दरदरा रखा है ताकि मुझे वो धागा स्टाइल का लुक आए उसमें और वैसे वो टेस्ट दे, ठीक है। तो अभी हम इस पालक को मिक्स करेंगे, तो आप भी ये इंस्टेंट पालक पनीर ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा और आपका टेस्ट कैसा रहा। और आप मुझे ये भी बताना कमेंट में कि आपको और कौन सा इंस्टेंट चीज़, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें इंस्टेंट बनाती हूँ, मतलब जो भी घर में अवेलेबल है उस अवेलेबल इंग्रेडिएंट से मैं उस आइटम को बना लेती हूँ। तो आपको कौन सी आइटम और सीखनी है और कौन सा डिश आपको सीखना है वो मुझे आप बताना। अभी देखो इसमें थोड़ा ये जो ग्रीन कलर है वो फेड हो गया है, तो ये स्टेज में अगर आपको चाहिए तो आप सोडा डाल सकते हो, बट मैं नहीं डालूंगी कि मुझे ज़्यादा सोडा नहीं पसंद है। तो इसको थोड़ा एक अच्छा सा दोनों का मिक्सचर एकदम मिक्स होने तक इसको हल्का मुझे पकाना है,
और फिर मैं लास्ट में इसमें पनीर डालूंगी। अब पनीर आप दो वे से कर सकते हो, अब पनीर को फ्राई करो और बाद में गर्म पानी में डालो ताकि वो कड़क नहीं रहे, सॉफ्ट रहे, या तो आप ऐसे ही डालो पनीर। मैं आप ऐसे ही डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये इंस्टेंट सब्जी है, तो इंस्टेंट में क्या आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करने और आपको फटाफट बनाने हैं। इंस्टेंट मतलब वही होता है कि हम चीजें फटाफट बना दें। पालक को ब्लांच करके आप फ्रिज में भी रख सकते हो एयरटाइट कंटेनर में, तो जब आप ब्लांच करके रखोगे तो आप डेफिनेटली उसमें खाने का एक पिंच सोडा या तो नींबू का जूस, ये दोनों में से कोई भी एक चीज डाल के फिर फ्रिज में इसको स्टोर करना। ऐसे ही रखोगे तो ये काला हो जाएगा क्योंकि इसमें आयरन है। ठीक है, अभी इस टाइम पे आप थोड़ा सा चख के देख सकते हो कि इसमें सॉल्ट बराबर है कि नहीं, कि आपको और थोड़ा ऐड करना है कि नहीं। आपको अगर और स्पाइस चाहिए तो आप और स्पाइस डाल सकते हो इसमें, जैसे कि चिली पाउडर थोड़ा और डाल सकते हो। मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। अभी देखिए ये बॉयल होने स्टार्ट हो गया। अभी स्टेज में हम पनीर बनाएंगे। ये मैंने पनीर को स्ट्रेन कर लिया और इसको हम पकाएंगे। पनीर को पकने को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में पक जाएगा। और अगर आप फ्राई करके डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप वो भी ट्राई करना। मैं वो भी एक बार आपको बताऊंगी कभी रेसिपी। तो देखिए मैंने इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें डाली नहीं है, जैसे बहुत लोग कलर डालते हैं, बहुत लोग कुछ और डालते हैं, बट मुझे नेचुरली रखना है उस चीज़ को। बस इसको अभी हम और 2 मिनट पकाएंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। अभी ये अपना ऑयल छोड़ने को चालू हो गया और मेरा जो पनीर है वो भी पक गया। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज ज्यादा नहीं किया, आप चाहे तो थोड़ा ऑयल ज्यादा डाल भी सकते हो। तो आपको वो जब ऑयल और बटर आप ज्यादा डालोगे तो थोड़ा ढाबा स्टाइल का आपको वो टेस्ट देगा। मैं इसमें थोड़ा बटर डालूंगी। और 1-2 मिनट हाई फ्लेम में इसको मैं पकने दूंगी। अभी आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। अभी ये मेरी डिश रेडी है, देखो कितनी झटपट हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोला झटपट पालक पनीर। अब यहाँ पर इस स्टेज में आपको गैस बंद करना है और आप इसमें अमूल फ्रेश क्रीम डाल सकते हो। अगर आपको अमूल फ्रेश क्रीम नहीं डालना है तो आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हो, बट थोड़ा मैं डालूंगी तो टेस्ट अच्छा आएगा। अभी ये 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के हिसाब से आपको जैसे चाहिए। तो जब भी आप क्रीम डालोगे ना तो आपका गैस बंद होना चाहिए, स्विच ऑफ होना चाहिए आपका फ्लेम। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए लग रहा है ना यम्मी झटपट पालक पनीर। बस सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी होने चाहिए आपके और झटपट इस रेसिपी से आप 3-4 टाइप की सब्जियां बना सकते। सिर्फ बेबी कॉर्न डाल के भी आप इसको बना सकते। अब इसमें थोड़ा ऊपर से मैं चॉप कोरिएंडर डालूंगी गार्निशिंग के लिए। अभी मैं आपको बता दूं इसको प्लेटिंग कैसे करते हैं। हम लोग प्लेटिंग करेंगे। तो जो पनीर था वो मैंने 200 ग्राम लिया है और जो पालक था वो मैंने एक मीडियम साइज का बंच लिया है। तो ये आपका 500 के अबव ही आपका ग्रेवी बनेगा। तो इसमें 4 से 5 जन आराम से खा सकते हैं, पेट भर के होंगे। और अगर आपको चाहिए तो आपके पास जिंजर होगा तो उसकी जूलियंस डाल सकते हो आप, पर मुझे नहीं डालना है। नहीं,
तो ये मेरा झटपट पालक पनीर रेडी। आप भी ट्राई करना इस रेसिपी को, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप कमेंट में मुझे लिखना कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है इस झटपट रेसिपी को बनाने के लिए, और आप मुझे ये भी बोलना कि आगे आप कौन सा और झटपट वाला रेसिपी सीखना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को संध्या कॉर्नर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।